हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे ASEdit चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। आप देख रहे हैं एस एडिट्स। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है लाइटरूम के बेसिक पर। तो गाइस बेसिक एडिटिंग करके उसका PNG कैसे निकालें, तो गाइस आज हम वो बताने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे आपको हमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी कर दो वीडियो को लाइक। तो वीडियो में चलते हैं हम। स्टार्टिंग के लिए अपने मॉडल को ले लेते हैं। तो गाइस हम इसे लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे। तो गाइस हम इसे लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो गाइस हम जा रहे हैं लाइट वाले में। तो गाइस इसका एक्सपोजर थोड़ा सा आपको कम करना है, एंड गाइस इसका हाईलाइट को थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, एंड गाइस शेडो को कम करना है, और गाइस इसमें जो वाइट को कम करना है आपको, ब्लैक्स को थोड़ा ज़्यादा कर देना है। तो गाइस ये आपका हो चुका है। एंड गाइस अब आपको आ जाना है कलर वाले टूल में। कलर वाले टूल में आपको क्या करना है, आपको गाइस इसकी वाइब्रेंस थोड़ी सी बढ़ा देनी है, एंड गाइस माइनस में इसकी सैचुरेशन करनी है 6-6 कर देना है, एंड गाइस इसे कस्टम कर देना है। ऊपर जाके इसे कस्टम पे जाएंगे, एंड गाइस इसे मिक्स टूल में जाएंगे। तो गाइस मिक्स टूल में जाके गाइस हम इसमें थोड़ा कलर करेक्शन करेंगे, एंड गाइस आपको रेड को थोड़ी सी इसकी गाइस सैचुरेशन को इंक्रीज करनी है रेड की। तो गाइस अब आपको आ जाना है ऑरेंज में। ऑरेंज में गाइस इसकी लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, एंड सैचुरेशन कम करनी है। गाइस लुमिनेंस थोड़ा सा और कम करें, एंड गाइस अब आपको अब येलो में आ जाना है। येलो की गाइस आपको ह्यू को जो है ना बिल्कुल ही 100 माइनस करनी है, एंड गाइस इसकी सैचुरेशन 100 करनी है, एंड लुमिनेंस माइनस में रखनी है गाइस आपको। एंड गाइस आपको आ जाना है ग्रीन पर। तो गाइस ग्रीन को भी आपको 100 माइनस कर देना है, एंड इससे सैचुरेशन बढ़ानी है और लुमिनेंस को आपको कम कर देना है, जिससे गाइस हमारे फोटो में अलग ही टोन आएगी एक। तो गाइस की गाइस यहाँ स्काई वाला कलर को भी, टील को भी, एंड ब्लू को भी आपकी ह्यू एकदम डाउन रखनी है माइनस में, एंड गाइस सैचुरेशन को आपको बढ़ा देना है इसकी, एंड गाइस लुमिनेंस को कम कर देना है। एंड गाइस अब आपको आ जाना है पर्पल में। पर्पल की ह्यू को आपको थोड़ा सा कम करना है, एंड सैचुरेशन कम करनी है, एंड लुमिनेंस को थोड़ा सा ही कम करना है, एंड गाइस यहाँ से डन कर दें आप। तो गाइस अब आपको आ जाना है क्लैरिटी के टूल में। तो इसकी क्लैरिटी को इंक्रीज करना है आपको थोड़ा सा, एंड गाइस में थोड़ा सा विग्नेट डाल देना है आपको। तो गाइस चलिए विग्नेट डालते हैं। तो गाइस में देख लें, गाइस अब तब देख सकते हैं गाइस में थोड़ी सी भी क्वालिटी नहीं फटी है, एंड गाइस विग्नेट डल चुका है हमारे फोटो के अंदर। एंड गाइस अब आप आ जाते हैं शार्पनिंग के टूल में। तो गाइस की शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही कर दें। एंड गाइस अब आपको नॉइस रिड्यूसिंग को इंक्रीज करना है, जिससे क्या होता है गाइस इसमें जो है ना जो भी झिलमिल होती है वो ठीक हो जाती है, एंड कलर्स नॉइज रिडक्शन को भी आपको इंक्रीज कर देना है, और स्मूथनेस को भी आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, जिससे क्या होता है गाइस जो भी आपका फोटो की जो क्वालिटी ख़राब होती है ना, तो वैसे स्मूथनेस हो जाता है। हमने सब स्मूथनेस को बढ़ा लिया है। एंड गाइस अब आपको क्या करना है गाइस, थोड़ा सा इसमें हमें ग्लो देना है इसके फेस पर। तो वैसे सेलेक्टिव टूल्स के अंदर आ जाते हैं हम। तो वैसे सेलेक्टिव टूल्स में चलते हैं। एंड गाइस आप सब देख सकते हैं गाइस इसका क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो वैसे क्वालिटी फट जाती है तो गाइस फोटो में वो मज़ा नहीं रहता जो पहले रहता है। एंड गाइस आपको सेलेक्ट टूल्स में चलना है, एंड यहाँ पे ब्रश में जाना है आपको। ब्रश का साइज़ आपको छोटा कर देना है, इसका साइज़ छोटा करना है आपको थोड़ा सा और करके छोटा सा। एंड गाइस इसके फेस पर जो है ना आपको पहले आपको फेस पर मार देना है। एंड गाइस इसे बैक कर दें थोड़ा सा, ये जो बाहर आ गया है इसे बैक कर दें। एंड गाइस फेस पर आपको गाल की तरफ से नीचे से डाल देना है, थोड़ा सा लगा देना है। एंड गाइस यहाँ से आपको गाइस ये क्या हो रहा है गाइस, ये लाइट रूम थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो गाइस जल्दी से हो जा भाई। गाइस हो गया गाइस, देख सकते हैं आप गाइस इधर को थोड़ा सा आपको मार देना है। एंड गाइस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है आपको, लाइट में। तो गाइस लाइट में चलते हैं, लाइट में गए हम। एंड गाइस इसका एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं, तो ये ज़्यादा ही हो गया कुछ, एंड थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा ही बढ़ाना है गाइस, ज़्यादा नहीं। गाइस यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, बेल आइकन को भी दबा लेना। और गाइस अब हम यहाँ से आपको क्या करना है, आपको गाइस में जाना है आपको इसकी नॉइस रिडक्शन, कलर नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा और बढ़ाना है, एंड डिटेल को भी, एंड नॉइस रिडक्शन को भी। एंड गाइस हम आपको इसमें कंट्रास्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज करना है, कंट्रास्ट आपको इंक्रीज कर देना है गाइस। इसमें जो चमक आती है ना फोटो में, तो गाइस वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड गाइस अब आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, एंड गाइस से सेव फोटो कर लेना है, सेव टू डिवाइस। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने बैकग्राउंड निकालने के अंदर। तो गाइस ये सब आप मतलब यहाँ से हमारा फोटो जो है
सेव हो रहा है। तो गाइस ये सेव हो चुका है, तो चलिए चलते हैं गाइस इरेजर एप्लीकेशन में। तो गाइस इरेजर एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगी, एंड गाइस ये रोटेट नहीं होगी तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, 5 या 6 MB का, ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है एंड फ्री है बिल्कुल। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है बैकग्राउंड इरेज करने का मॉडल का। तो गाइस आप सब देख लेना इस वीडियो में कि मैं बैकग्राउंड कैसे इरेज करता हूँ, गाइस एकदम परफेक्टली बैकग्राउंड इरेज कैसे करता हूँ। तो गाइस आपको ये फोटो ले लेना है जो हमने गाइस अभी लाइट रूम से सेव किया है। तो गाइस हम इसे यहाँ से ओके कर देते हैं, डन। एंड गाइस अब आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको गाइस मैजिक, रिपेयर, मैनुअल, ऑटो का, इसे चार ऑप्शन दिखेंगे। तो गाइस हम पहले यहाँ पे जाएंगे मैजिक में। तो गाइस मैजिक में क्या होता है गाइस, ये आपको एक कलर सेलेक्ट कर देता है, एंड गाइस जिस कलर पर आप मारेंगे ना तो ये उसी कलर पर लगेगा जाके। तो गाइस हम उसी पे मैजिक पे जा रहे हैं थोड़ा सा। तो गाइस मैजिक पे हम आ जाते हैं, गाइस हम मैजिक पे कर रहे हैं, एंड आपको गाइस आपको थोड़ा सा जहाँ भी आपको गलत लगे ना तो गाइस आप उसे मैनुअल से कर देना। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, एंड गाइस हम मैनुअल में जाते हैं थोड़ा सा, तो साइज को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड गाइस यहाँ से गाइस के आउटलाइन कर देते हैं यहाँ से मैनुअल से। गाइस जहाँ जहाँ आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना मिक्स वो मैजिक टूल से भी, आप गाइस वहाँ पे इसका आउटलाइन कीजिए पहले, फिर गाइस आपको इसको इरेज करने में आसानी होगी। तो गाइस मैं इसमें पहले आउटलाइन कर देता हूँ गाइस यहाँ पे फेस की जगह, जहाँ पे हमें इरेज करने में दिक्कत आती है थोड़ी थोड़ी। तो गाइस हम यहाँ से इरेज कर देंगे, एंड गाइस यहाँ पे हम थोड़ी आउटलाइन कर देते हैं। तो गाइस हम सारा काम आज मिक्स टूल से ही, वो मैजिक टूल से ही करने वाले हैं। तो गाइस मैजिक टूल में क्या होगा गाइस, आपका जो है ना टाइम भी बचेगा और गाइस आपको हेल्प काफ़ी अच्छी मिलेगी, क्योंकि इसमें जरा सी भी जगह नहीं छूटती है। तो गाइस अब आपको क्या करना है, नीचे को थोड़ा सा लाना है, इधर से भी, इधर को भी करना है। गाइस मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकती क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड करके आपको ज़्यादा समझ में नहीं आती है। तो गाइस हम यहाँ पे गाइस मिक्स टूल, मैजिक टूल को ओपन कर लिया है हमने, एंड गाइस मैजिक टूल से हम गाइस इसके जो अपने मतलब हमारा शरीर है, मतलब हैंड है, उसके बाद पास लगा देंगे, जो लगा देंगे गाइस जो हाथ के पास का एरिया है ना गाइस, उसका कलर सेम है। तो गाइस ये उसी पर लगेगा, आपके हाथ में नहीं जाएगा। आप गाइस देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रहा है, एंड बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा है। तो गाइस इसीलिए अगर हमारी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करके नीचे कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस ऐसी वीडियो लाता रहूँगा मैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो गाइस सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आपको अंदर की तरफ को भी मैजिक टूल से कर देना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना है आपको। जब गाइस जल्दी जल्दी कर दें आप, तो गाइस आपको एक ध्यान रखना है गाइस, इसमें आगे जो है ना आपको बहुत थोड़ा सा दिक्कत आएगी बालों की तरफ, तो बाल में मैं बताऊंगा आपको कैसे सही करने हैं। तो ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं थोड़ा सा गाइस, देख सकते हैं एकदम परफेक्टली इरेज हो रहा है हमारा बैकग्राउंड। तो इरेज करने का तरीका यही है सबसे बढ़िया। तो गाइस आप इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है एंड ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 5 या 6 MB की एप्लीकेशन है। या गाइस आप इसे डाउनलोड कर ले तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, एकदम गाइस फोटोशॉप जैसा बैकग्राउंड इरेज होता है एकदम। तो इस साइड भी हम यही वाला वो करने वाले हैं ट्रिक। तो गाइस इसके नीचे से थोड़ा सा ले लेते हैं गाइस, यहाँ से भी आपको इसके कपड़ों पे आउटलाइन करनी है मैजिक टूल से। तो गाइस मैजिक टूल से आउटलाइन हो रही है, एकदम रियल वाली आउटलाइन हो रही है, जो कि गाइस आपको ऐसा लगेगा गाइस आपने अपना फ़ोटोशॉप से ही PNG निकाला हो। तो गाइस फोटोशॉप से जो होते हैं ना गाइस, उसमें जो है ना बहुत ही बारीकी से ही बैकग्राउंड रेस किया जाता है, क्योंकि अगर जाता है क्योंकि गाइस में आपके हाथ में माउस रहता है, एंड बाकी जो आप मोबाइल में करते हैं ना, तो गाइस का जो कर्सर रहता है तो वो आपका गाइस थम्स के नीचे रहता है। तो आप गाइस आपको पता नहीं लगता कि किस चीज़ से आप क्या चीज़ आपके हाथ से इरेज हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो गाइस इस लैपटॉप में या आप PC में जब भी फोटोशॉप चलाते हैं तो गाइस माउस से ही ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो गाइस माउस से ही कंट्रोल करते हैं ना, तो गाइस उससे आपको पता लग जाता है स्क्रीन पर कि आपका थम मतलब कर्सर आपका कहाँ जा रहा है। तो गाइस आपको आपके मैनुअल में जाके गाइस के ऊपर की तरफ को फेर देना है गाइस, ये जो जगह बच रही है ना गाइस, इसे मैनुअल से आपको सेलेक्ट करना है। एंड गाइस आप यहाँ से आपको मैनुअल से जाना है, एंड गाइस के आजू बाजू लगा देना है आपके गर्दन के, एंड गाइस इधर से ऊपर को भी आना है आपको थोड़ा सा इधर कान के नीचे से, और गाइस ये कान पे भी आपको फेर देना है एकदम बढ़िया करके। तो गाइस वीडियो जो है ना गाइस बहुत बड़ी हो रही है, तो गाइस इसलिए सॉरी। तो गाइस एक बार कहूँ ना गाइस, वीडियो को पूरा देखोगे ना आप तभी आपके समझ में आएगी वीडियो, वरना तो आपकी समझ में नहीं आने की। क्यों नहीं आने की, क्योंकि गाइस आपको उसमें अगर आप स्किप करोगे ना तो कोई भी स्टेप छूटेगा, तो आपका बैकग्राउंड इरेज नहीं हो पाएगा एंड आप बेसिक एडिटिंग नहीं कर पाओगे लाइट रूम से। तो गाइस बेसिक एडिटिंग में क्या होता है गाइस, उसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है आपके मतलब मॉडल के अंदर, पिक के अंदर।
रिक्वेस्ट में क्या होता है गाइज, आपका फोटो जो है ना, मतलब पिक जो आपको क्रिएटिव पिक लगने लगती है एकदम। तो गाइज बेसिक एडिटिंग करना आप जरूर सीख लें। तो गाइज किसी किस जिस जिसको आती होगी गाइज वो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। एंड गाइज आप बताएं मुझे कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। गाइज नेक्स्ट वीडियो आप फोटोग्राफ मतलब पोस्ट पे ले आऊं या फिर फोटोग्राफी टिप्स ले आऊं या नई एडिटिंग लाऊं। तो गाइज आप नीचे तीनों का कमेंट कर दीजिए। एंड गाइज आपको क्या करना है, गाइज साइड में इधर रह गया है बस थोड़ा सा, इधर को भी आपको इरेज कर देना है। तो गाइज वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हो तो मेरे तरफ से धन्यवाद, अगर आप अभी तक बन रही हो वीडियो के अंदर। तो गाइज वीडियो अगर आप पूरा देखोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा वीडियो। एंड गाइज तुम्हारे भाई को भी सपोर्ट मिलेगा अगर आप मुझे मेरा वीडियो पूरा देखेंगे। तो गाइज अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे ना तो गाइज मैं बहुत अच्छी अच्छी एडिटिंग लाने वाला हूँ, वो भी फोटोशॉप से एडिटिंग लाने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया। तो गाइज इसलिए सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को ऐसे ही। तो गाइज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इन्जॉय कीजिए। और गाइज अपने दोस्तों को दिखाइए कि आप फोटो एडिटिंग सीख गए हैं। और गाइज से आपको इंस्टाग्राम पे भी भर भर के लाइक्स आने वाले हैं। एंड गाइज सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे मुझे पता है, एंड बेल आइकन भी आप दबा देंगे। ये गाइज हो गया है, बस हमारा बैकग्राउंड रेस हो चुका है। एंड गाइज हम इसे ब्लैक करके देखेंगे। तो गाइज एकदम परफेक्टली बैकग्राउंड रेस हो चुका है, आप सब देख सकते हैं एकदम परफेक्टली, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया। गाइज हम इसे 2 पे करेंगे एंड इसे सेव कर देंगे। तो गाइज सेव हो चुका है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।